स्वागत है मित्रों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे जोई के डैड एन से कहते हैं कि बच्चे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम साइड हट जाओ। फिर जोई के डैड लैन से कहते हैं कि लैन तुम अपना एकेडमी छोड़ दो या फिर जोई छोड़ देगा। यहाँ एन जोई के डैड को जवाब देते हुए कहता है कि ओ प्लीज अंकल, आप बे मतलब लैन को दोषना बंद कीजिए, और आपको क्यों लगता है कि लैन आपका बात मानेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोई की मॉम ने जोई का हाथ जोर से पकड़ रखा है और लैन के पास आने नहीं दे रही। खैर, तब जोई के डैड एन से कहते हैं कि तुम फिर से हमारे बीच में बोले, मैं लैन से बात कर रहा हूँ और ऐसे भी सारे चीज का फसाद लैन है, और तुम जो इतना लैन का साइड ले रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि लैन किस टाइप का बंदा है और वो पहले क्या करता था। एन यहाँ जोई के ओर देखकर एक स्माइल करते हुए जोई के डैड से कहता है कि अंकल आपका कहने का क्या मतलब है। खैर, जो भी मतलब हो, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल अगर लैन को सबसे अच्छे से कोई जानता है वो मैं हूँ। मुझे लैन के बारे में सब पता है, तो आप अपना राय लैन के बारे में अपने पास ही रखिए। और एन का बात सुनकर जोई चौंक कर एन के ओर देखने लगता है, और जोई के डैड एन का बातें सुनकर एन से कहते हैं कि तुम एक पागल लड़के हो और तुम्हारे एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे पागल हैं, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। उसके बाद जोई के डैड जोई को लेकर जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि जोई तुम अभी और इस शहर में नहीं रह सकते, तुम्हें हमारे साथ घर वापस चलना होगा। जोई अपने डैड से कहता है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रहा। जोई के डैड जोई को खींच कर ले जाते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो और तुम हमारे साथ आ रहे हो। जोई तब लैन की ओर देखता है और लैन जोई की ओर देखकर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा दोबारा होगा, और जोई लैन के बातों को सुन लेता है और उसे बुरा लगता है। खैर, हम लैन को देखते हैं अभी जो भी हुआ उस बारे में सोचते हुए लैन एक धुन में रास्ते के दूसरे पार जाने लगता है। उसी वक्त एक कार आकर लैन को टक्कर मारने ही वाला था। एन लैन का हाथ पकड़ के खींच के लैन को बचा लेता है। फिर एन लैन से पूछने लगता है कि लैन इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है और लैन को रास्ते में देखकर चलना चाहिए। लैन तब एन को देखकर एन को थैंक्स कहता है। एन मजाक करते हुए कहता है कि लैन एन को थैंक्स ना कहे क्योंकि लैन का थैंक्स एन को हजम नहीं होगा। लैन एन से कहता है कि लैन ने एन को थैंक्स इसलिए कहा क्योंकि अभी जोई के डैड के सामने एन ने लैन का साइड लेकर बात किया, ये देखकर लैन को बहुत अच्छा लगा। एन कहता है कि एन लैन को किसी और से बेइज्जत होता हुआ खड़े खड़े नहीं देख सकता, इसलिए एन ने लैन का साइड लिया। और लैन जब एन के साथ झगड़ा करता है तब वो बुलंद आवाज में करता है, और अभी जब जोई के डैड लैन को इतना कुछ सुना रहे थे तो लैन चुप क्यों था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंकल जोई के डैड है। लैन कहता है कि हाँ, वो इसलिए चुप था क्योंकि वो आदमी जोई का डैड है, और लैन एक पेरेंट्स का परेशानी अपने बच्चों को लेकर समझ सकता है, और ऐसे भी जोई के डैड को कुछ भी कहने का कोई फायदा होता नहीं। उसके बाद लैन चलते हुए एन को बताता है कि एन सबसे अलग है क्योंकि एन को बहुत अच्छे से पता होता है कि किससे कब कैसे बात करना चाहिए, और एन इस बारे में नहीं सोचता कि उसके बातों से कौन खुश हो रहा है और कौन नहीं। पर जोई ऐसा नहीं है, जोई हमेशा ही दूसरों के खुशी के बारे में पहले सोचता है, इसलिए जोई जब भी बात करता है वो पहले ये देखता है कि उसके बातों से किसी को भी ठेस ना पहुंचे, और दूसरों की खुशी के लिए जोई हमेशा ही सबका बात मान लेता है। खैर, जोई और लैन के रिश्ते में किसी को तो कुर्बानी देना ही होता, तो लैन ने सोचा कि क्यों ना ये काम वही करे। एन तब अपना हाथ लैन के गर्दन में फिराते हुए कहता है कि एन समझ गया, और एन का लैन से एक बात पूछ सकता है कि क्या लैन को ऐसे टाइप के इंसान पसंद है जो खुद से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हो। लैन कहता है कि एन ये क्या बकवास कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एन कहता है खैर जाने दो लैन, चलो चल के तुम मेरे साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस करो। उसके बाद एन लैन को
खींचकर बास्केटबॉल की ग्राउंड में लेकर आकर कहता है कि लेन बैठा क्यों है। लेन आकर एन के साथ खेले, एन क्या अकेले ही बास्केटबॉल खेलेगा। लेन कहता है कि अगर लेन एन के साथ आकर खेलेगा तो क्या एन को लगता है कि एन लेन से जीत पाएगा। एन यह डायलॉग मारते हुए कहता है कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एन। लेन तुम सिर्फ देखो कि मैं कैसे बॉल को बास्केट के अंदर फेंकता हूँ। ये कहते हुए एन बॉल को खेलते हुए वो बास्केट के अंदर फेंकने की कोशिश करता है, पर बॉल बास्केट के अंदर ना जाकर डॉच होकर बल्कि बास्केट के बाहर गिर जाता है और यहाँ एन का पॉपट बन जाता है। और ये देखकर लेन कहता है कि वाह क्या पावर है एन का, इस बकवास से पावर को तो मैं सच में कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। एन गुस्से में लेन से कहता है कि लेन अगर इतना ही एक्सपर्ट है बास्केटबॉल में तो लेन यहाँ आकर बॉल को बास्केट के अंदर डालकर दिखाए। लेन तब उठकर आता है और एन के हाथों से बॉल लेते हुए कहता है कि ठीक है मैं अपनी शक्तियों को बिना इस्तेमाल किए भी इस बॉल को आसानी से बास्केट के अंदर डालकर तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते ही लेन अपनी उंगलियों से ही बॉल को बास्केट के अंदर डालकर एन को दिखाता है। फिर लेन एन से कहता है कि अब बताओ अब क्या तुम मेरे शहर में तालियां नहीं बजाओगे। एन यहाँ कोई जवाब नहीं देता। उसी वक्त कुछ बच्चे ग्राउंड में आते हैं और लेन का कमाल देखकर लेन के लिए जोर जोर से तालियां बजाते हुए कहते हैं कि भैया आप तो कमाल के हो, आप क्या आपकी तरह हमें भी बास्केटबॉल खेलना सिखाओगे। एन यहाँ हंसते हुए लेन से कहता है कि लेन ये बच्चे ही हो सकते हैं तुम्हारे सच्चे वाले फैन, जाकर बच्चे संभालो। तब एन लेन को देखता है जो बच्चों को देखकर प्यारा सा स्माइल कर रहा था। लेन तब स्माइल करते हुए एन से कहता है कि एन पता है बच्चे बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। एन तब लेन को स्माइल करता हुआ देखकर वो ब्लश करने लगता है। लेन पूछता है कि एन तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। खैर उसके बाद लेन बच्चों के पास जाकर उन्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाने लगता है और सारे बच्चे लेन को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। हम एन को देखते हैं जो साइड में बैठकर ठंडे पानी का बोतल अपने फेस में लगाते हुए लेन को बच्चों के साथ खेलता हुआ देख रहा था और लेन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर एन अपने मन में कहता है मैंने पहली बार लेन को इतना खुलकर मुस्कुराता हुआ देखा है। आते हैं लेन की ओर जो कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद वो बच्चों को और संभाल नहीं पा रहा था। लेन तब चिल्लाते हुए एन को बुलाने लगता है कि एन भी आकर लेन का मदद करे। एन तब उठकर बास्केटबॉल में लेन और बच्चों को आकर ज्वाइन करता है अपने मन में ये सोचते हुए कि अब मैं क्या करूं, मेरे अंदर का फीलिंग मुझे सही नहीं लग रहा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि लेन एन को सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आता है और एन से कहता है कि एन तुम्हें बच्चों के साथ खेल को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था, देखो तुम्हें कितना चोट आया है, आओ मैं तुम्हें दवाई लगाने में मदद कर दूंगा। उसके बाद लेन एन को बिस्तर में बैठा कर उसका शर्ट ओपन करने के बाद उसका चोटी देख कर कहता है कि एन उस दिन लैब में मेरे वजह से तुम्हें जो चोट लगा उसका घाव भी अभी तक नहीं भरा और देखो तुमने नया चोट भी लगा लिया। एन कहता है कि लेन मैंने बच्चों के साथ खेल को सीरियसली नहीं लिया बल्कि मैंने तुम्हें सीरियसली लिया, मैं तो बस चाहता था कि बास्केटबॉल में मैं तुमसे जीत जाओ। लेन तुम इतना स्ट्रांग क्यों हो और मुझे जो चोटें आई है ये सिर्फ तुम्हारे वजह से आई है, इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी है। लेन हंसते हुए कहता है कि एन के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इस बात से एन को गुस्सा आ जाता है और एन कहता है कि एन अपने चोट में खुद ही दवाई लगा लेगा, उसे लेन की मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एन अपने चोट में खुद ही मलम पट्टी करते हुए लेन से पूछता है कि क्या लेन ने दवाई का एक्सपायरी डेट चेक करके एन को दिया है। लेन कहता है नहीं वो भूल गया। ये सुनकर एन गुस्सा करते हुए कहता है कि लेन एक नंबर का गधा है, ये तो बच्चों को भी पता है कि दवाई का एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद किसी को देना चाहिए। ये सुनकर लेन कहता है कि अगर ये दवाई एक्सपायर है तो एन इस दवाई को ना लगाए, लेन एन के लिए दूसरा दवाई खरीद कर ला सकता है। एन दवाई को देखते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दवाई एक्सपायर नहीं हुआ।
उसके बाद लैन चुपचाप बिना कुछ बोले एन के पास बैठा रहता है। एन कहता है कि लैन इतना चुप क्यों है, लैन एन से कुछ बातें करे। लैन कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि जब भी कुछ भी मुझसे रिलेटेड होता है, स्पेशली चुई को लेकर, उसके बाद तुम मुझसे सवाल जवाब करने बैठ जाते हो, तो तुम अभी मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रहे हो। एन कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे बहुत सारा सवाल तो पूछना है, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुमसे सवाल पूछा तो उसके बाद तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, फिर तुम मुझे डांटने लगोगे। और अभी जो तुम मुझसे खुद ही पूछ रहे हो, तो तुम मुझे खुद ही बता दो कि माजरा क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। लैन तब एन के पास से उठकर जाने लगता है, ये कहते हुए कि एन, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा, मैं तो बस तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग लग रहा है। एन कहता है कि तुम भड़क क्यों रहे हो, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं है तो तुमने मुझसे पूछा क्यों। लैन तब सामने की चेयर में जाकर बैठता है और एन से कहता है कि मैं भड़क नहीं रहा, बस तुमसे बात करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी तुम ऐसा कुछ कह देते हो जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। एन तब बहुत ही भोले तरीके से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बातों से गुस्सा आ जाता है, मैं भी क्या करूँ, मैं कभी कभी बहुत ही क्यूरियस हो जाता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगता हूँ, और मुझे पता है कि कभी कभी तो मैं बकवास भी कर दिया करता हूँ। लैन देखो, मैं अजीब बिहेव नहीं कर रहा, मैं तो बस हम दोनों के बीच की रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ। लैन, अगर तुम चाहते हो तो मैं हम दोनों के बीच की रिश्ते को सुधार सकता हूँ। लैन तब एन की बातों का कोई जवाब नहीं देता। एन कहता है कि लैन, मैं तुम्हारा जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। लैन तब भी कुछ नहीं कहता, तो एन कहता है कि लैन, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो तुम एक मस्त गाना मेरे लिए गाकर जवाब दे सकते हो। ये सुनकर लैन एन से पूछता है कि एन को कैसे पता कि लैन गाना गा सकता है। एन कहता है कि जब उन लोगों की क्लास का कैरियोके डे था, तब सब लोग लैन को गाना गाने के लिए कह रहे थे, पर लैन ने गाना नहीं गाया था और लैन तब बहुत उदास दिखाई दे रहा था, पर लैन ने किसी को भी ये नहीं कहा कि लैन को गाना गाना नहीं आता, इससे ही एन समझ गया। खैर, लैन तब कुछ सोचने के बाद एन से कहता है कि एन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एन एक्साइट होकर कहता है कि क्या, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, हाँ हाँ बताओ। उसी वक्त एन की डैड का फोन एन को आता है और लैन एन को वो बात बता नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एन का भाई कार लेकर एन को ले जाने के लिए आया है, क्योंकि एन के डैड ने कुछ जरूरी काम से एन को अपने पास बुलाया है। और जाते वक्त एन दोबारा लैन से पूछता है कि लैन, तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना, तो बताओ। लैन कहता है अभी नहीं, तुम जिस काम के लिए फिलहाल जा रहे हो वो करके आओ, उसके बाद बात करते हैं। एन कहता है ओके। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एन के डैड का घर दिखाया जा रहा है, जहाँ एन अपने डैड से मिलने के लिए आया है और आते ही अपने डैड के हाथ में एक कागज पकड़ा देता है। एन के डैड पूछते हैं कि ये क्या है बेटा। एन कहता है कि डैड, ये लैन का फॉर्म है, जहाँ लैन के डैड का नकली सिग्नेचर है, ऐसा लैन का मानना है। फिर एन अपने डैड को पूरी कहानी बताता है। उसके बाद एन के डैड लैन का फॉर्म देखते हुए कहते हैं कि ओ, तो ये लैन का फॉर्म है और तुम जैसा कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और बेटा तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बारे में पता लगाऊं, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। यहाँ एन अपने डैड को कोई जवाब नहीं देता, तो एन के डैड खुद ही कह देते हैं कि अच्छा, तो मैं समझ गया, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो जिससे तुम लैन का विश्वास दोबारा जीत सको और जिससे लैन तुम्हारे ऊपर अंधा विश्वास कर सके। खैर, ये सब छोड़ो, जिस कारण मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है वो सुनो, एक नया दवाई मार्केट में आया है। फिर एन के डैड एन को दवाई के बारे में बताने लगते है। उसके बाद एन के डैड एन से कहते है कि बेटा, टाइम मिलते ही इस दवाई का प्रयोग के लिए तुम्हें लैब आना होगा और अपने साथ लैन को भी लेकर आना। एन, तुम मेरी ओर देखो, हो क्या गया है तुम्हें। एन कहता है डैड, मैं लैन से और बातें नहीं छुपाना चाहता और ना ही मैं लैन को और दर्द देना चाहता हूँ। ये सुनते ही एन के डैड को गुस्सा आ जाता है और एन के डैड एन से कहते हैं कि एन, क्या कहा तुमने, शायद तुम हमारे एक्सपेरिमेंट के प्रथम नियम को ही भूल गए हो।
एन देखो, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। एन तुम्हें अपना जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। तुम अभी कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो बचकाना हरकत करता फिरे, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूँ। एन तुम्हें समझना होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तुम एक साथ दो चीजों को नहीं पा सकते। यहाँ एन अपने डैड की बातों का कोई जवाब नहीं देता तो एन के डैड कहते हैं कि तो फिर ठीक है, एक काम करो एन, तुम थोड़ा टाइम लो और सोचो कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। अगले सीन में चोय का बिल्डिंग दिखाया जा रहा है जहाँ हम चोय को देखते हैं कि चोय अपने कमरे के अंदर खिड़की के सामने खड़ा है। उसके बाद खिड़की खोलकर अपना सर खिड़की के बाहर निकाल कर बिल्डिंग के नीचे बहुत परेशान होकर देख रहा था। और कुछ देर नीचे देखने के बाद चोय तुरंत कमरे के अंदर आ जाता है और परेशान होकर अपना सर पकड़ के कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि न्यू ईयर आ गया है तो आप सबको मेरी ओर से न्यू ईयर की शुभकामनाएं, और साथ में आप सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विद मी एंड सी यू।